महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रमजान शुरू होने से एक दिन पहले बड़ा बयान दिया था। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को ये मांग की थी कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद किए जाने चाहिए। ठाकरे ने यहाँ शिवाजी पार्क में एक रैली में कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं, अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर अधिक तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना या किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मुझे अपने धर्म पर गर्व है। वहीं अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुंबई के घाटकोपर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कार्यालय में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है। आज सांगतोय आता सांगतोय ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। मी धर्मांध नाहीये, मी धर्माभिमानी आहे, माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नाहीये, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका। ज्या प्रकारे या लाऊड स्पीकरचा सकाळी 5 वाजल्यापासून जो त्रास होतो, कुठल्या धर्माचा कुठच्या धर्मामध्ये गेले लाऊड स्पीकर? जेव्हा धर्म बनला तेव्हा लाऊड स्पीकर होता काय? बाहेरच्या देशांमध्ये बघा हे लाऊड स्पीकर तुम्हाला दिसणार नाही। जा युरोप मध्ये तुम्हाला कुठे तिथे बाल दिसते का बघा, लाऊड स्पीकर दिसणार नाही। तुमच्या परमेश्वराची प्रार्थना करायची असेल करा घरात। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।